फाइनल्स जब आते हैं बात आगे बढ़ती है, तो ऑल द बेस्ट कहूँगा पूरी टीम को और इनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी अभी मैंने देखा उन सबको बहुत मुबारकबाद। फिरदौस ने हम सबको इनवाइट किया, उनको थैंक यू सो मच, यही कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा टाइटल है दगाबाजी, अभी तो आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा यही चल रही है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी को पसंद आएगी, ज़्यादातर 100 में से 80 लोगों तो पक्का पसंद आएगी, क्योंकि वो दगाबाजी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि गाना बहुत कमाल होने वाला है और एक नई मॉडल और नए लोग यहाँ पर आए हैं, फिरदौस जैसा नाम लिया, इस एल्बम को ज़रूर सुनना, ये फिरदौस की रिक्वेस्ट है, और अगर नहीं सुना तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिरदौस को मत देना। तो मैं समझता हूँ कि दगाबाजी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम और हमारी आने वाली दगाबाजी की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत अच्छा गाना लगा और बहुत अच्छा नए लोगों की लॉन्चिंग हुई है, तो नए कलाकार जब इंडस्ट्री को मिलते हैं तो सबकी ग्रोथ होती है, नई टैलेंट देखने मिलता है, तो मैं पूरी टीम को और रणवीर जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, खास करके रीतु गुप्ता बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने ये गाना गाया, गोवी बेदी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, राजवीर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये गाना देश विदेश में पूरी दुनिया में खूब नाम कमाए, दगाबाजी सुपर हिट हो और इन सबका खूब सारा नाम हो जाए। थैंक यू दोस्तों, लव यू। दगाबाजी के बारे में आपका एक्सपीरियंस? दगाबाजी जो सॉन्ग का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा, टाइटल जो है ना वो बहुत कॉमन है, मतलब हर किसी के लव्स पे आ जाते हैं, बाकी सॉन्ग देखने के बाद सुनने के बाद ही पता चलेगा कि उससे लोग क्या इंस्पायर होते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल प्रोडक्शन हाउस टीम एंड ऑल कैमरामैन और ऑल मीडिया पार्टनर्स। ये सॉन्ग पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से बनाया और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तो मैं चाहूँगा एक बार ऑडियंस से कि कंपनी के लिए एक बार और इन सभी कलाकारों को अप्रिशिएट करें और एक बार इस गाने पे जरूर देखें। किस तरह से ये ऑन बोर्ड पे आया आपके पास में, ये प्रोजेक्ट कैसे आया और कैसे आपने इसको, हाँ कहाँ क्या लगा इसके अंदर अच्छा आपको कि आपने कहा कि इसे करना चाहिए? ये प्रोजेक्ट रणवीर लेके आए थे और रीतु आई थी, दोनों लोग बैठ के बात की है। इससे पहले भी उन्होंने एक गाना हमारे लिए किया था बेगैरत, वो भी चला, तो ये लगा कि ये गाना सुनने के बाद पसंद आया, पूरी टीम ने कहा कि नहीं करना चाहिए इस गाने को और लग गए हम लोग करने में। एक एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर एक एक ग्रुप ऑफ कंपनीज मात्र 6 साल की एक कंपनी है, जो आज लगभग 15 कंपनियों का एक समूह इस 6 साल में बन गया और 8 अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, और रियल इस्टेट इस ग्रुप का मेन बिजनेस है, और यूपी बिहार मध्य प्रदेश में आज ये सबसे बड़ा ग्रुप है, और एक एक ग्रुप इन 3 राज्यों में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। इसके साथ अदर सेक्टर्स में भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इस तरह से 35+ प्रोडक्ट हैं। इलेक्ट्रिक ईवी का हम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास आज 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ईवी हैं जो चल रही है, हम 5 राज्यों में बेच रहे हैं उसको, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी है एक दीप निधि लिमिटेड के नाम से, जो जल्दी NBFC और बैंक में कन्वर्ट करने का उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। शिक्षा है, उसमें हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है। म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जिसमें हम हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, शेथाली, नागपुरी, इन सभी भाषाओं में काम कर रहे हैं, और 1 साल का शॉर्ट पीरियड ही हुआ मीडिया सेक्टर में कंपनी को आए, और लगभग 200 के आसपास के गाने हमारे आ चुके हैं, यानी अगर हम देखें तो हम हर एक दिन के बाद अपने नए सॉन्ग्स को लाते रहते हैं। बहुत सारे कंपनी के चैनल्स भी हैं, आप लीन्स म्यूज़िक या AK मेगा इंटरटेनमेंट आप कुछ भी डालेंगे मिलेगा, और अभी इस समय 100 से ज़्यादा गाने हमारे पास तैयार रखे हैं, जो समय समय पर दर्शकों को देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट सप्ताह हमारा फिर से एक गाना आ रहा है भोजपुरी की जानी मानी हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ, भी हमारा अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक गाना आया, और नेक्स्ट 4-5 दिन के बाद भी एक सॉन्ग आ रहा है। सर आप क्या शुभकामना देंगे? सर मैं तो शुभकामना देता हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड, ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, और सर मैं तुम्हें इतना बोलना चाहता हूँ सर, ये टाइम बॉम्ब है बनता है यार, जहाँ भी आता बस ब्लास्ट हो जाता, तुम मचा देते। थैंक यू जी।
क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपको मिला है ये प्रोजेक्ट, और क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, और रणवीर भाई का कॉल आया था कि भाई यार एक प्रोजेक्ट है करना है, तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लाइक हाँ भाई करते हैं ना, तो लाइक फिर हम लोग मिले, कह रहे ऐसी ऐसी कहानी है ये सब है, तो प्रोजेक्ट मिला था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पूजा ने बहुत अच्छा काम किया है, रणवीर, ऋतु की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है और मज़ा आया करने में। आपको कुछ कहना है पूजा? नहीं बस थैंक्स कहना चाहूँगी, और रणवीर को भी थैंक्स कहूँगी, और ये गाना मुझे स्पेशली आपके लिए मिला है, आपने सजेस्ट किया था, इन्होंने दिव्या जी ने सजेस्ट किया था कि पूजा को गाने में लेना चाहिए, एंड थैंक यू सो मच यार कि आपने मुझे ये गाना दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, ऑफ कोर्स इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, दैट्स व्हाई मैं इस गाने के अंदर हूँ, अदरवाइज मैं नहीं होती। रणवीर भाई और हम लोग बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि भाई कौन सी लड़की है, तो मैं इंस्टाग्राम पे वो नहीं होता कि ये मेरी दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है, रणवीर भाई इज लाइक कि पूजा के साथ वॉक करते हैं, तो मैंने कहा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से काम शुरू हुआ। रणवीर भाई ने बहुत सपोर्ट किया। बॉबी भाई प्लीज कम ना, अरे मेन हीरो तो अब आएंगे हमारे, बॉबी नैन्सी प्लीज कम, ये जो हमारे दगाबाज है जिन्होंने हमें दगा दिया है। नैन्सी प्लीज कम। गुड इवनिंग, आज सॉन्ग भी है और पूजा दोषी भी है, मैंने बचाया सबको, टीम को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, कैसा लगा सॉन्ग आप लोग को? मेरा ज्यादा तो नहीं है बट है, जो भी है अच्छा है। आप ही का तो है, आपकी वजह से सब है। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोइंसिडेंस होती कोई चीज़ तो, एक्चुअली मेरे एक दोस्त है रजनीश मिश्रा, उनका स्टूडियो है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बॉबी भाई एक सॉन्ग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे दोस्त है जो रणवीर राजपूत, तो वो मिलना चाहते, तो मैं वर्कआउट कर रहा था जिम में, तो ऐसे तो वर्कआउट छोड़ के कहता भाई मेरा गाना सुन रहे थे, मैंने चलो फिर हम स्टूडियो में बैठे, इंस्टेंट होता है ना गाना, मुझे उसमें जो फ्लेवर था ना, जो बी प्रैंक के गाने होते हैं, जो स्टोरी बेस्ड सॉन्ग होते हैं, अगर लेवल को छोड़ दो तो अगर आप सॉन्ग इज सॉन्ग, ऋतु गुप्ता ने बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत निभाया है, सॉन्ग विद इमोशंस कह लो आप, है ना, तो वो उसमें थी, उसमें परफॉर्मेंस का मौका था, तो एक ही दिन में उन्होंने बोला भी शूट करना है, तो प्लान हुआ, आगे पीछे हुई डेट्स, फिर एक दिन वो आ गया, हमने शूट किया, वो एक्टर्स थे नैन्सी, पूजा, हिमांशु और फिरोज भाई थे सिनेमेटोग्राफर और मेकअप टीम थे, सब लोगों ने कॉस्ट्यूम, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा, और मेरे ख्याल से बहुत फास्ट काम किया, और जो उसका आउटपुट अभी आपने देखा है, तो आई होप गाइस यू विल लव द सॉन्ग, क्योंकि ये आपके हार्ट को टच करने वाला है, दगाबाज है तो कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में कोई ना कोई दगाबाज होता है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जुड़ी है इसमें? एक्चुअली मैं एज अ फ्रेंडशिप जुड़ी हूँ, फ्रेंड है मेरा रणवीर, तो उसने बोला था कि सॉन्ग करना है और तुम्हारा भी अच्छा कुछ है इसमें, तो करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे, और मज़ा आया काम करके, काफ़ी हिस्टोरिकल सॉन्ग है, मतलब रणवीर की खासियत है कि स्टोरी के बेस पे ही सॉन्ग बनाता है, पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ, और उसकी स्टोरी ऐसे रहती है कि कनेक्ट करती है हर किसी को, टच करती है, सॉन्ग भी वैसे ही रहता है, तो मज़ा आता है काम करके भी, मतलब शूटिंग प्लेस पे भी मज़ा आता है, और लॉन्चिंग भी वैसी लाविश होती है, एकदम दमदार होती है, तो मज़ा आता है। रणवीर प्लीज कम। से ऑन फ्लोर आया और क्या कहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, कैसा सबको कास्ट ना? इस प्रोजेक्ट को ना हम करीबन 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, तो बाकी सबसे पहले मैंने दिव्यांश से बात किया, क्योंकि दिव्यांश के पास टाइम ही नहीं, क्योंकि पूरा भारत भ्रम करके आया, मतलब बंदा पूरा भारत घूम के, भाई उनके पास टाइम ही नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ करने के, बोले भाई मैं पूरा पहले अच्छे से सारा इंडिया घूमा है, पोस्ट कार्ड करते हैं, अंदर से लोगों से बातें करते हैं, आप दिव्यांश के बारे में सब हर कोई जानता है, कोई जानता है ना, समझा, देख लीजिए भाई, भाई को मेरा दिव्यांश के बारे में सबको बताया है, तो ये प्रोजेक्ट ना सबसे पहले मैंने दिव्यांश को बोला भाई को कि भाई आप कभी मेरे को टाइम दे दो, हम साथ में एक प्रोजेक्ट करते हैं, भाई को मैंने गाना सुनाया, तो भाई ने बोला कि अब गाना सुना, तो कह रहे भाई करते हैं, थोड़ा सा हाँ
अब आपके सामने बता दिया कि इसलिए मैं नहीं बोल रहा कुछ बोले तो इन्होंने बोला करते हैं, पर थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो कि मैं अच्छे से कुछ करूँ, क्योंकि भाई ने जो मेहनत की है ना गाने में आप लोगों ने देखा है, तो उसने बहुत मेहनत के साथ में बहुत प्रिपेरेशन करने के बाद में जो चीज़ें आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन दिए हैं चीज़ें दी हैं, तो एक मेहनत है जो लोगों के सामने आ रही है, तो आप लोग जैसे उनको प्यारा लगे उनको बहुत प्यार दें गाने को, और जैसे भी हम लोगों को और आगे कुछ करने को मिले। I think I love the music, I love the voice, singing. Casts are amazing, she acted really amazing, even he is really good, direction is good. Totally, I think it's a wonderful song and I really enjoyed it. I think I'm looking forward to more like this. So yeah, I wish them all the best. I hope this will work really well and it will go well. People will love it more. Yeah. थैंक यू। बारे में कैसे ये प्रोजेक्ट मिला? और ये प्रोजेक्ट सर मुझे मिला, रणवीर भाई जी आए थे हमारे पास, उनको चाहिए था कुछ बेतहाशा दर्द हो जिसमें, हाँ बेतहाशा बेवफाई हो, और एक उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, इतनी अच्छे से नरेट किया उन्होंने स्टोरी, और उन्होंने बोला इस पर क्या गाना हो सकता है, फिर मैंने उनको बना के बताया ये गाना, फिर आपने क्लाइमेक्स में लास्ट में देखा होगा जहाँ अभी जाओगे मुसनफा, ये पहले ऐड नहीं था गाने में, फिर उन्होंने बोला कि कुछ क्लाइमेक्स चाहिए जिसमें लड़का, मतलब जो स्टोरी बताई उन्होंने कि बाद में उस पकड़ लड़की उसको चीट करते हुए पकड़ लेंगे, फिर इसमें हालांकि मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं बने थे, या फिर अकॉर्डिंग टू वीडियो नहीं बने थे, अकॉर्डिंग टू स्टोरी नहीं बने, बाद में फाइनल हमने ये फाइनलाइज़ किया, और फिर आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा आप लोगों को। दो लाइन अगर हो जाए, हाँ जी गाने की दो लाइन अगर हो जाए, गाने की दो लाइन तो लाजमी है, माशुकाओं की शहर में तेरे ना कमी है, तबाही को देख मेरी हंसता है तू, तबाही को देख मेरी हंसता है तू, बेहयाई करना कोई तुझसे सीखे, तू दगाबाज है, दगाबाज है तू, सारा जमाना कहता है दगाबाज है तू, सारा जमाना कहता है। हाँ सॉन्ग तो बहुत अच्छा है दगाबाजी, और मेरा दोस्त का है डायरेक्टर, पहली बार उन्होंने काम किया, तो बस ऊपर वाला से दुआएं ही करेंगे कि उसको कामयाबी दे और अच्छा उसके प्रॉफिट हो। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग के लिए बहुत हम लोग शुभकामनाएँ देते हैं, बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? सॉन्ग तो कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी नया गाना रिलीज होता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि सब हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने भी रितु जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, और दगाबाज जो कि बहुत अच्छा गाना है, ये थोड़ा सूफी टाइप गाना है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को एक नया गाना सूफी में सुनने को मिलेगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए, और मैं चाहता हूँ इस तरह के और अच्छे गाने मार्केट में आएँ और जो सुनने वाले हैं उनके कानों को सुकून मिले।